प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम बनने के बाद आज पहली बार अयोध्या जाएंगे। पीएम मोदी आज अयोध्या जिले के माया बाजार में रैली को संबोधित करेंगे। माया बाजार राम जन्मभूमि से 25 किलोमीटर दूर है, ऐसे में पीएम मोदी की ये रैली बीजेपी के लिए काफी अहम है। दरअसल फैजाबाद लोकसभा सीट पर 6 मई को ही मतदान है। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में भी मोदी ने फैजाबाद में एक रैली की थी। हालांकि पीएम मोदी का रामलला या फिर अयोध्या के किसी धार्मिक स्थल पर जाने का कोई कार्यक्रम नहीं है। अयोध्या आकर पीएम नरेंद्र मोदी श्री रामलला और हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन नहीं कर पाएंगे। मोदी का अयोध्या आना और श्री रामलला का दर्शन ना करना स्थानीय लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। पीएम मोदी अयोध्या से कौशाम्बी के लिए रवाना हो जाएंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। यह जो अभी मोदी जी आ रहे हैं तो इलेक्शन के विषय में आ रहे हैं जी। राम जन्मभूमि के सब मसला सुप्रीम कोर्ट में फंसा है, आ रहे हैं यहाँ पर इस क्षेत्र में, वो इलेक्शन के प्रचार प्रसार में आ रहे हैं अपने, और उनका इसका मतलब नहीं है कि आ रहे दर्शन करने आएगा, कहें कि उन लोगों के पूरा देश के कार्य देखना है। जब हम लोग चाह रहे हैं कि जब यह है जो अभी मोदी सरकार बने तो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर आ जाए जल्दी से जल्दी, तब मोदी के और योगी जी के द्वारा राम मंदिर बनने में उनको बुलाया जाएगा। अयोध्या जो पूर्णतया स्थापित हुई थी, 2-10 योजना महापूरी, 3 योजना चौड़ी और 12 योजन लंबी, इतनी चौड़ी यह अयोध्या थी। वह क्षेत्र पूरा अयोध्या में आता है, कभी फैजाबाद था, अयोध्या हो गया है, तो वह भी क्षेत्र जहाँ आ रहे हैं वो अयोध्या ही है, अयोध्या क्षेत्र में आ रहे हैं। इसे हम चूंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उनका स्वागत सम्मान करते हैं। अयोध्या के समीप में हैं और अयोध्या जिला में आ गए हैं, तो ऐसी स्थिति में वो स्वागत और सम्मान योग्य है। वह आश्रम है वहाँ श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ पलावा पुत्र काम शुभ जग करावा, वहीं से ऋषि आए थे जो भगवान राम के जन्म के लिए पुत्र ऋषि जग कराए थे, तो वह श्रवण क्षेत्र भी कहा जाता है, तो पवित्र क्षेत्र है और वहाँ आ रहे हैं और अपनी जनसभा करेंगे, जनसभा के लिए आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो देश के प्रधानमंत्री हैं, आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है।